वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई जस्ट होप सो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। मे बी वीडियो थोड़ी सी लेट जाए, हो सकता है जी टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम्स, बट मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी जल्दी सारी वीडियोस को अपडेट करने के लिए आप लोगों के साथ। और आज है दिवाली का दिन, मॉर्निंग हो गई है, नहा धोकर के मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहनी हुई मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने वेयर किया है ये साड़ी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और मॉर्निंग हो गई, सब लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, सब ने नाश्ता कर लिया है, रूही ने भी कर लिया है, ये गए हैं मार्केट थोड़ा कुछ सब्जी वगैरह लेने, और मैं रूही का यहाँ पे दूध ठंडा कर रही हूँ। जैसे उसका दूध ठंडा हो जाएगा तो वो पी करके सो जाएगी एंड देन हम लोगों का रेडी होगा लंच। तो आज लंच में बनने वाला है सूरन की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, चावल, तो यही बनेगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा आप लोग एंड तक, डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आप लोग। तो पूरा नाइट तक की ये वीडियो होगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर में। सो गाइस, काम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मम्मी बैठ के सारे दिया को सेलेक्ट कर रही थी, मतलब कुछ पिछले साल के रखे हुए थे, कुछ हमने इस बार नए दिया लिए थे, तो वो से मम्मी निकाल के एक बर्तन में रख रही थी। और बस इसके बाद अब तो काम ही चलने वाला है। ये रहा, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और प्याज लहसुन काट रही हूँ सब्जी के लिए, जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ। हो सकता है मेरे पति देव ही आ जाए बनाने के लिए। तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, बहुत मज़े से कोल्ड हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही थी मुझे पता नहीं, मैं काम करते करते किसको इनको आंख दिखाने लगी। एनीवेज, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा मस्ती हुई। मेरा बहुत मन था कि मैं दिवाली की मॉर्निंग नहा धोकर के अच्छे से साड़ी पहनूँ, सब मैंने पहना है, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था। तो खूब सारी फोटो वीडियोज़, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर नहीं देखा तो जाकर के मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्जी काट, भैया ने सूरन काट के रख दिया था तो बस मैं उसको अच्छे से काट रही थी। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सूरन को कच्चा कुकर में डाल लिए हैं और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके उसको अच्छे से ना मैश, मतलब मिक्स कर देंगे, सरसों के तेल में लपेट देंगे उसको। मैं थोड़ा ही तेल डाली पर इन्होंने थोड़ा सा और भी डलवा दिया, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं उसको बस तेल डालूंगी, बस और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा गैस कुकर में बंद करके गैस ऑन कर दूंगी। मतलब अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए गैस पर रखिए, जैसे इसमें प्रेशर बनने लगे ना कुकर में, हमने इसे बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद अच्छे से, मतलब गलना भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसे जो फ्लेवर है ना, काफ़ी अलग टेस्ट फ्लेवर आता है। ये देखिए, मैंने चाकू से दिखाया, तेल डाल लीजिए, ऑफ कोर्स अपने क्वांटिटी एंड अपने हिसाब से आप तेल डालिए, मेरे पति देव आ गए तो तेल डाल लीजिए और फिर इसमें प्याज डाल दीजिए, प्याज टमाटर, प्याज थोड़ी सी हो जाए फिर उसके बाद टमाटर डालिएगा। मैंने वीडियोस को मतलब ऐसे बनाया है ना, इसलिए लग रहा है। देन जब टमाटर भी अच्छे से हो जाए तो फिर इसमें डालना है आपको पिसा हुआ मसाला, जिसमें कि मैंने पिसा प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्चा, बहुत ज़्यादा कुछ हमने इसे मसाले का ऐड नहीं किया क्योंकि हमने जो क्वांटिटी मसाले की रखी है ना प्याज टमाटर वाली, वो ज़्यादा रखी है। हल्दी और नमक डालना है जस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड लास्ट में इसमें इन्होंने डाल दिया था गरम मसाला शायद, हाँ गरम मसाला। तो आप धनिया पाउडर डालना मत भूलिएगा, वो स्किप हो गई वीडियो। तो धनिया पाउडर, गरम मसाला, आपके जो भी मसाले हो ना आप डाल सकते हैं यार, ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, मसालों का टेस्ट एक अलग ही आता है, ठीक है। सो जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो बस क्या करना है, हमें ये आलू और सूरन को इसमें अच्छे से डालना है, मिक्स करना है और मसाला जब अच्छे से भून करके एक बहुत ही अच्छी वाली सी स्मेल आने लगेगी, तो बस जब तक अभी भून के उसमें पानी डाल दिया इन्होंने, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं तब तक कर रही हूँ यहाँ पे सैलेड की तैयारी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ फटाफट से क्विक शॉट्स आप लोगों को दिए जाए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे प्याज काटी, टमाटर काटी, मूली काटी, फटाफट से लेमन काट करके सैलेड रेडी रखूंगी। आजकल ऐसी आदत हो गई है ना, मतलब हमेशा ही होता है पर आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मुझसे हो गया बिना सैलेड के, क्योंकि अचार नहीं है यहाँ पे कोई। सो विदाउट सैलेड तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ कुछ भी, ठीक है। तो इसको काटा, ये देखिए पानी ऐसे डालना है, मतलब गर्म पानी डालना है ग्रेवी में ना, आपको गर्म पानी ऐड करना है, ये याद रखिएगा। तो उससे पता है एक अलग फ्लेवर, टेस्ट, लुक बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे अब हम लोग बैठ गए हुए हैं रंगोली बनाने के लिए, जिसमें कि जो हमारी प्रिंसेस है
बाप रे, उसको इतना ज्यादा मजा आ रहा था। उसने तो एक बार हमारी रंगोली को इधर से उधर भी कर दिया था, पर कोई नहीं, बच्ची है, खूब मजे कर रही थी। और जैसे बना रहे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो पता है ना क्या करना है। ये रंगोली डॉट डॉट सबने बना ली, बीच में ना किसी साल का वो लगा हुआ है, फ्लोर स्टिकर लगा है दिवाली का, तो जस्ट उसको उसको ना हमें हाइड करना था, छिपाना था, तो वही उसी को छिपाने के लिए सारी डिजाइन चल रही है, तैयारी चल रही है। ठीक है, अब ये डिजाइन का जो भी बनी, मतलब रंगोली तो यार इतनी सारी यूट्यूब पे अवेलेबल्स हैं, इजीएस्ट इजीएस्ट एंड टफेस्ट टफेस्ट, तो कोई सी भी रंगोली उठा ले और बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इनको देखिए, मैं इनको दे रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। यार कितना मतलब वो लगता है ना, बच्चे कितने प्यारे। हाँ आ गई यार ये, मतलब आकर के एक बार इसने खराब भी कर दिया। और दिस इज आवर कंप्लीट लुक ऑफ आवर रंगोली। पसंद आ रही है तो मुझे बताइएगा जरूर। और अब इसके बाद ना मैं जा रही थी बाहर, थोड़ा काम था मुझे, तो जाते जाते ये गेट पर फ्लावर वगैरह लगा रहे थे, तो आई थॉट कि चलो वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत मजा आया था ये दिवाली, मतलब ससुराल में मेरे बनारस में पहली दिवाली मेरी हुई है सबके साथ में। पहली बार दिवाली हमने मैंने यहाँ पे सेलिब्रेट की हुई की, मतलब शादी के बाद कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि नहीं हो पाती थी दिवाली, तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया दिवाली पे। यहाँ पे तो मैं क्रैकर्स कर रही हूँ, आप लोगों को आवाज सुनाई भी दे रही होगी। और अब इसके बाद लास्ट में मम्मी ने कुछ लाश दी और बोले कि इसको जाकर के बाहर गेट के पास सीढ़ी पे लगा देना, तो वही ना मैं लेकर के आ गई हूँ। अब मैं इनसे कुछ बातें भी कर रही थी, वीडियो बना रहे थे, बहुत मजा आया, हमने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया यार दिवाली पे, मतलब हमारी अब तक की बेस्ट दिवाली बोल सकते हैं। मतलब यार दिवाली तो सभी अच्छी होती है, पर ये फैमिली के साथ जो मजा है ना वो और कहीं नहीं है। ये जो सुख होता है परिवार के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, ये और कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत मजा आया हमें, हमने बहुत ज्यादा सा एंजॉय किया इस दिवाली पे, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, बट कुछ वीडियोस रह गई हैं, पर कोई बात नहीं, इसके अपना ना मैं पूजा की कुछ क्लिप्स लगा दूंगी फोटोज, क्योंकि हुआ क्या ना जब पूजा शुरू हुई तो उसी वक्त पे रूही बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी, तो मैं पूजा शुरू मतलब तैयारी व्यारी सब हो गई थी, मैं रोटी बनाई, रोटी बना करके इसको खिलाने के लिए आई, तो इस वजह से पूजा की वीडियो नहीं बन पाई, पर कोई बात नहीं, जो बना है जितना बना है आप लोगों के साथ ना मैं शेयर कर रही हूँ। और अब सीधे लुक देखिए मेरा दिवाली का, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देख ही लिया होगा, कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, बेसब्री से आप लोगों के कॉमेंट का वेट करूंगी। ये मैंने वीडियो बनाई थी फॉर इंस्टाग्राम रील्स, जो कि अभी तक नहीं पढ़ पाई है, और कब पड़ेगी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मेरी यूट्यूब में काम आ गई। अब चलिए चलते हैं आपको हम हमारे मंदिर में, तो ये है हमारी मंदिर जो हमने डेकोरेटेड लाइट्स लगा करके इस तरीके से सजाया है। ये है मंदिर जहाँ पे हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, तो अब यहाँ पे टाइम आ गया है क्रैकर्स का। पकड़ाओ पकड़ाओ पकड़ाओ, अरे लगा लगा लगा, बस हट जा।
सो गाइस, पता है अभी आप लोगों से मिल रही हूँ मैं दिवाली के थर्ड डे, मतलब दिवाली के नेक्स्ट डे भी नहीं, उसके नेक्स्ट डे हम मिल रहे हैं। आज है 14 नवंबर और नहीं बता सकते, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड हो रखा है, कोल्ड हो रखा है इनफैक्ट, बहुत तगड़ा सा जुकाम हो गया है। कल हम गए थे घर अपने गांव, तो उसका व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस वीडियो में। क्लैरिटी मेरी, और ये वाला जो मेरा वीडियो है ना, इसको मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, मिलूँगी आप सबकी एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लेट आएंगी, सो सॉरी फॉर दैट, बट सारी वीडियोज आएंगी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। वो कुछ गई है लेने, दिखाती हूँ क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, फेंक दीजिए, वेरी गुड। ओह, फेंक रही हो, कैमरे में देख रही है, मेरी मैडम है कैमरा लवर। सो गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।